शुक्र ग्रह यानी वीनस हमारे सौर मंडल का सूर्य की दूरी से दूसरा ग्रह है। आज हम इसी के बारे में रोचक और अनोखी बातें जानेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार कभी एक ऐसा समय था जब पृथ्वी और शुक्र दोनों ही एक जैसे थे, लेकिन आज के टाइम पर दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। जहां एक ओर पृथ्वी पर जीवन है, वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह पर जीवन का तो कहीं नामो निशान नहीं है। शुक्र ग्रह पर अर्थ की तुलना में समय बहुत ही अलग है। इसकी वजह है शुक्र का अपनी धुरी पर घूमने की गति। जहां पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, वहीं इसको अपनी ही धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 242 दिन लगते हैं। वहीं सूर्य का चक्कर लगाने में 224 दिन का समय लगता है। यानी शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे सूर्य की परिक्रमा करने से ज्यादा समय खुद का चक्कर लगाने में लगता है। यह अजीब है लेकिन सच है। शुक्र का एक साल उसके एक दिन से भी छोटा होता है। ऐसे में यहाँ के समय को समझना थोड़ा मुश्किल है। शुक्र और पृथ्वी दोनों ही आकार में एक जैसे हैं, लेकिन शुक्र का तापमान इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जीवन की सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। यहाँ के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ऊष्मा शुक्र ग्रह से बाहर ही नहीं निकल पाती है। इसलिए यहाँ का तापमान हमेशा लगभग 470 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह का तापमान इससे कम है, जबकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। इसकी वजह है वहाँ पर वायुमंडल का न होना। शुक्र ग्रह के वायुमंडल का दबाव पृथ्वी की तुलना में 90 गुना ज्यादा है। इस ग्रह की घूर्णन की दिशा भी उल्टी है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। अगर हम शुक्र ग्रह को माइक्रोस्कोप से देखें तो वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसलिए शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। लेकिन जब आप इसकी जमीनी सतह को देखेंगे तो आपको किसी नर्क से कम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिएटर और उनसे निकले हुए गर्म लावा ही दिखाई देगा। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।